जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। देखो, इससे पहले अपनों ने क्या टेंस के बारे में पढ़ लिया था कि टेंस क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, ये चीज़ अपनों ने पढ़ ली थी। तो अब इसके बाद अपने करते हैं, देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस हो गए। इनके आगे क्या है, सभी के चार चार पार्ट होते हैं। तो आज अपने प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। आज कोशिश करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले अपने क्या देखेंगे, किसी भी टेंस में उसकी स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। अब देखो एस या ई एस कहाँ आएगा, ये बात आपको ज़रूरी पता होनी चाहिए। एस या ई एस कहाँ आएगा, अब देखो दो वर्ड लिखे हैं नीचे आपके लिए, नाउन और वर्ब। नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड। अभी आप इतना ही जान लो, नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड। बाकी अब टॉपिक पूरा करेंगे जब भी, तो पूरा नाउन के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। नाउन क्या हो गया, नेमिंग वर्ड। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या हो गया, एक्शन वर्ड। हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ब को, क्रिया। हिंदी वाले परिभाषा भी जानते हैं, किसी काम का करना या होना, यानी कि काम का करना या होना मतलब, काम का करना या होना मतलब एक्शन। ये क्या हो गया, एक्शन वर्ड। तो एस या ई एस मतलब वर्ब के साथ में क्या आएगा, एस या ई एस कब आएगा, ये चीज़ देखनी है अपनों ने। अब देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन का मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा, तो क्या है वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर। प्लूरल होगा तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। अब देखते हैं अपने सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं। अब देखो सिंगुलर नाउन, चेयर है, बेंच है, ये आपके क्या सिंगुलर नाउन है। इससे अपने प्लूरल बनाना है, तो प्लूरल कैसे बनेगा इसका, तो इसके आगे क्या लगा देंगे अपने, एस लगा देंगे, तो चेयर्स हो जाएगा, बेंचेस हो जाएगा। उसके बाद अपने वर्ब का देखते हैं। देखो वर्ब अपने स्टार्टिंग में क्या है, बेस फॉर्म में ही होती है, बेस फॉर्म उसकी प्लूरल ही होती है। जैसे राइट है, राइट क्या आपका प्लूरल वर्ब है, वॉक क्या है आपका प्लूरल वर्ब है, ठीक है? तो इसका सिंगुलर बनाना है, तो इसको एस या ई एस लगा के बनाते हैं। जैसे राइट का राइट्स कर दिया, वॉक का वॉक्स कर दिया। अब देखो जो नाउन है उसके आगे एस या ई एस लगाते हैं अपनी, तो उसका प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन वर्ब के आगे एस या ई एस लगाते हैं तो उससे क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब बन जाती है। अब देखते हैं आगे अपने। देखो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। उसके बाद नीचे वाला क्या लिखा हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट में आ गए आपके ही, शी, इट, ये क्या आपके यहाँ प्रोनाउन है, ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इनके साथ क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। देखो वॉक्स, अब देखो वॉक क्या होगी, आपकी प्लूरल वर्ब आपको बताया था, ये रहा ऊपर अभी लिखा हुआ है, ये रहा वॉक, ये रहा वॉक्स, ठीक है, वॉक्स हो गया और टॉक्स हो गया। उसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो इसमें आपको बताता हूँ, देखो ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे। अब देखो इसमें जो आई है ना आपका, ये एक्सेप्शन में आता है। अब कैसे आता है वो आपको आगे समझाता हूँ, पहले ये देख लो, आई, वी, यू, दे। आई वैसे तो आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन कहाँ ये सिंगुलर होता है, किसी जगह ये प्लूरल होता है, उसके बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। अब देखो पहले ही तो ये देख लो आप, आई, वी, यू, दे, इनके साथ में क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अब देखो आगे, देखो आई का एक्सेप्शन देखते हैं अपने। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। देखो आई एम, आई वाज, आई है ना जो, सिर्फ इन दो जगह पर ही सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा। आई है जो इन दो जगह पर ही सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा, बाकी सभी जगह पर प्लूरल के रूप में यूज़ होगा। ये चीज़ आप नोट करके रख लेना, आई वाले में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स को। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसमें आई हैज़ या फिर आई हैव, देखो आई हैव होगा, यहाँ पर हैज़ नहीं होगा। आई डज होगा या फिर डू होगा, आई डू होगा। आई राइट्स होगा या आई राइट होगा, आई राइट होगा। देखो इधर ये तीनों बार इधर सही लिखे हुए हैं। देखो यहाँ पर जो राइट लिखा हुआ है ना, ये राइट क्या, यहाँ पर प्लूरल है। कोई भी जो वर्ब है अपने बेस फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद अपने आगे देखते हैं। देखो ये तो था एक बेसिक कि आपको टेंस से पहले बेसिक पता होना चाहिए। अब देखते हैं इसके यूजेज में, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट।
प्रेजेंट सिंपल। अब देखो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं इसका, माय मदर गोज़ टू टेंपल एवरी डे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर थर्ड एग्जांपल, माय फादर वर्क्स लेट एट नाइट। अब देखो ये सिंपल प्रेजेंट के एग्जांपल है। अब ये सिंपल प्रेजेंट कैसे है, अब देखो इनमें एक वर्ड दे रखा हुआ है सभी में, देखो यहाँ दे रखा है एवरी डे या मॉर्निंग या एट नाइट, ठीक है। अब ये वर्ड दे रखा है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वो टेंस है, वो सिंपल प्रेजेंट का है, तो ठीक है। अब कौन कौन से वो वर्ड हैं, देखो वो सारी वर्ड की आपको ये री लिस्ट दे दी। देखो टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शन, देखो ये सारे वर्ड हैं, इन वर्ड को आप नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो भी एक बार। देखो वर्ड एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, ईयर, इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गए एवरी वाले। उसके बाद आ गया इसी में डेली, देखो सेल्डम आ गया, नेवर, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन, यूजुअली, जनरली, वंस ए डे, वीक, मंथ, ट्वाइस ए डे, वीक, मंथ, ईयर। उसके बाद इन तीन वर्ड का जरूर ध्यान रखना, हार्डली, रेयरली, स्कासली, और एक इसमें से सेल्डम हो गया, एक हो गया ओफन। देखो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और एग्ज़ाम में ये रिपीटेड होते हैं, एवरी वाले तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे, ठीक है, तो इन वर्ड का आप ज़्यादातर ध्यान रखना। उसके बाद अपने देखते हैं इनके एग्ज़ाम्पल। अब देखो पहला ही क्वेश्चन है, ही इज़ गोइंग एवरी डे फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नाइबर्स। देखो इसमें आपको बताना है एरर, पहले आप खुद करके देखो, इसमें पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो फिर मैं आपको करवाता हूँ। तो चलिए अब करते हैं अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ही इज़ गोइंग एवरी डे, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, एवरी डे, देखो आपको एवरी डे का बताया, एवरी डे आएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इज़ गोइंग की जगह पर, यहाँ पर इज़ गोइंग आपका गलत है, यहाँ क्या आ जाएगा, ही गोज, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ही गोज़ फॉर ए मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड एंड नाइबर्स। तो यहाँ क्या ए ऑप्शन में आपकी गलती थी, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपने सेकंड एग्जांपल, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ओफन वर्किंग इन माई अंकल स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी। अब देखो इस क्वेश्चन में भी क्या है, देखो यहाँ देखो बी पार्ट में देखो आई एम ओफन वर्किंग, देखो आपको एक वर्ड बताया था ओफन, ठीक है, हैबिचुअल वर्ड में बताया था ना ओफन वर्ड, देखो ओफन वर्ड आ गया तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ से एम हट जाएगा एक तो, और यहाँ से वर्किंग की जगह क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है, यहाँ वर्किंग की जगह क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देख क्वेश्चन नंबर तीन, ऑल्दो शी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन येट शी इज़ हार्डली टॉकिंग टू मी। अब देखो आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल गया होगा, यहाँ एक वर्ड आ रहा है हार्डली, ठीक है, तो हार्डली वर्ड आ रहा है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि टेंस कौन सा बनेगा इसका, सिंपल प्रेजेंट का। ऐसा नहीं है ये सिंपल प्रेजेंट के ये हार्डली में ये वर्ड, देखो कुछ वर्ड हैं ये आपको एक इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सिंपल प्रेजेंट के हैं, पर लेकिन इनका यूज़ किसी और टेंस में भी हो सकता है, वो आपके जैसे जैसे आगे क्लासेस चलती रहेंगी आपको पता चलता रहेगा। अभी के लिए आप यही मान के चलो कि ये वर्ड इसमें यूज़ हो रहे हैं। देखो शी इज़ हार्डली टॉकिंग टू मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए, तो यहाँ इसके एरर है, यहाँ शी टॉक्स हो जाएगा, शी टॉक्स हो जाएगा, टी ए एल के एस, शी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं इसमें अपने, एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज शी इज सेल्डम कमिंग लेट, ठीक है, तो इसमें कहाँ पर एरर है, देखो ये एक वर्ड दिख रहा होगा आपको सेल्डम, जहाँ भी सेल्डम आ जाएगा, नेवर आ जाए, ओकेजनली आ जाए, हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, वहाँ क्या होएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ से इज हटेगा,
यहाँ से कमिंग हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या वर्ड आ जाएगा, वर्ड आ जाएगा यहाँ पर शी। शी क्या आपका सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पर वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, तो वर्ब आ जाएगी यहाँ पर शी कम्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद करते हैं अपने, देखो ये दो क्वेश्चन आप करो पहले, फिर उसके बाद एक आपको बताता हूँ कि आगे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड आपको अलग से एक कुछ मेथड बताता हूँ। ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट, एक तो ये वर्ड, एक तो ये है, उसके बाद सेकेंड है ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक बेसिक बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखो पहले मैं बता देता हूँ आपको, देखो पहला है आपके अकॉर्डिंग, तो देखो ये हैबिचुअल एक्शन के अकॉर्डिंग ये गलत बनता है, लेकिन पहला सेंटेंस क्या है, सही है, और दूसरा दूसरा गलत है। ठीक है, अब गलत कैसे है, दूसरे को पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, अब देखो ही इज ऑलवेज गोइंग, तो चलो पहले इसका ना मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। ये देखो ऑलवेज, ऑलवेज दो तरह से यूज़ होता है सेंटेंस में। देखो अगर हैबिट के रूप में आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस एस या टी एस। अगर ये सेंटेंस में हैबिट नहीं बता रहा, हैबिचुअल एक्शन को नहीं बता रहा, ये किसी इरिटेशन को बता रहा है, इरिटेशन मतलब चिड़चिड़ापन या फिर नेगेटिविटी को बता रहा है, तब इसके लिए क्या स्ट्रक्चर यूज होती है, जब ऑलवेज आ जाएगा तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। कहने का मतलब ये किसकी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ होता है जब ये इरिटेशन के रूप में आएगा। तो अब इसके अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। अब देखो ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क मतलब हर टाइम जब भी वो मिलता है तो वो क्या करता है, अपने काम के बारे में ही बात करता रहता है, अपने काम के बारे में बड़बड़ाता रहता है। तो अपने काम के बारे में बड़बड़ाएगा तो उससे क्या होगा, इरिटेशन होगी। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये क्या है जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में यूज़ हो सकता है, किस में यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग, यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सही है, ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग, ये लाइन बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो इसी का सेकंड एग्जांपल देखो, ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। अब देखो यहाँ पर ये इज़ और गोइंग ये गलत है। अब क्यों गलत है, देखो ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर वॉकिंग के लिए जाना एक हैबिचुअल एक्शन है। ठीक है, आफ्टर डिनर ने ये जाना वॉकिंग के लिए, वो क्या एक हैबिचुअल एक्शन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही गोज, क्योंकि ही क्या आपका सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही ऑलवेज गोज फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है, ये हो जाएगा ऑलवेज का बेसिक। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना ही पड़ेगी इनको, बाकी इतना कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करते रहोगे, साथ में आपको क्वेश्चन के साथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये छोटी छोटी बातें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। देखो कुछ और एग्ज़ाम्पल है, शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ और शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ऊपर वाले दोनों में से। अब देखो शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, देखो ट्रूथ बोलना हैबिट है, तो यहाँ पर नीचे वाला सेंटेंस सही हो जाएगा, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, शी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, ये क्या हैबिचुअल है, शी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, तो इसके कॉन्टीन्यूअस में यूज़ नहीं कर सकते, ये सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। उसके बाद देखो नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल देखो, शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड और शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। अब देखो इसमें क्या है, शी ऑलवेज कंप्लेन, कंप्लेन करना क्या हैबिट है, कंप्लेन करना एक हैबिट नहीं है, इरिटेशन है, कंप्लेन करना क्या एक इरिटेशन है। देखो तो इसमें कौन सा, इसमें भी ऊपर वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और नीचे वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, शी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। ठीक है, तो उसके बाद देखो
ये इन दोनों में एरर बताओ आपको, फिर आपको इसमें सेकंड रूल बताऊंगा इसी एरर से रिलेटेड। देखो, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। उसके बाद सेकंड है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। देखो, आपके अकॉर्डिंग तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। देखो, आपके अकॉर्डिंग क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला सेंटेंस गलत है और नीचे वाला सेंटेंस सही है। ये कैसे सही है वो आपको पहले इसका बेसिक बताता हूँ, फिर आप अपने इसी सेंटेंस पर वापस आएंगे। अब देखो, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। अब देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सन क्या है, ईस्ट से राइज करता है। प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन, प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। देखो, पहले एग्जाम्पल को वापस देखो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थ मूव करती है सन के चारों ओर, ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद देखो, उसके बाद अपने यहाँ पर वापस एग्जाम्पल पर आते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ और फैक्ट के साथ में। ये देखो, द पीपल इन एंशियंट टाइम बिलीव्ड दैट, देखो ये किस में है, वी टू में, दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ। अब देखो, यहाँ मूव्स दे रखा है, आपके अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये मूव्स सही है क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, पर लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। कैसे नहीं है, देखो, दैट द सन मूव्स राउंड द अर्थ, इसने क्या बोला यहाँ पर, जो सूर्य है, सन है, वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर इसने क्या, ये लाइन उल्टी लिखी हुई है। यहाँ ये होना चाहिए था द अर्थ मूव्स राउंड द सन, लेकिन ये अगर ये लाइन लिखी हुई है, अगर एरर पूछे तो यहाँ पर मूव्स की जगह क्या आना चाहिए आपके, यहाँ पर मूव की जगह आना चाहिए मूव्ड, एम ओ वी ई डी, ठीक है, ये हो जाएगा एरर। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग। ये बात बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस सही है, सही कैसे है, द साइंटिस्ट बिलीव्ड दैट। अब देखो, यहाँ ये मत देखो कि बिलीव्ड है, वी टू में दे रखा है कि यहाँ पर पुल्ड होना चाहिए, नहीं, देखो जो अपने ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, तो वहाँ पर चाहे सेंटेंस पास्ट में दे रखा हो, लेकिन वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में यूज़ होगा, लेकिन उसने लाइन ही गलत दे रखी है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में थी, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर पास्ट भी यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल्स डाउन एवरीथिंग, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पहले भी आप क्या करता था, कि आपने कोई भी चीज़ है, पेन को हवा में छोड़ेगा तो वो नीचे गिरेगा, कोई भी चीज़ है, तो इस हिसाब से क्या, यहाँ पर पुल्स डाउन बिल्कुल सही है, तो ये क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं, देखो पहले ये दो एग्जाम्पल देखो, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 इन द इवनिंग, द ट्रेन विल लीव एट 5:30 इन द इवनिंग। देखो दो एग्जाम्पल है, एक तो सिंपल प्रेजेंट का है और एक एग्जाम्पल जो सेकंड एग्जाम्पल है वो किसका है, फ्यूचर सिंपल का है। इन दोनों में से कौन सा सही है, तो आप कहोगे कि नीचे वाला एग्जाम्पल सही है और ऊपर वाला गलत है, लेकिन ये दोनों ही सही हैं। अब ये कैसे सही हैं, ये दोनों एग्जाम्पल कैसे सही हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले अपने एक रूल कर लेते हैं, रूल नंबर थर्ड, फिर उसके बाद उसी एग्जाम्पल पर आएंगे वापस। देखो, फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, पार्ट किसका चल रहा है, ये पार्ट ये चल रहा है प्रेजेंट सिंपल का ही, ठीक है, लेकिन उसके अंदर थर्ड पहला पढ़ा था उन्होंने हैबिचुअल एक्शन का, ठीक है, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ का, उसके बाद तीसरा फिक्स्ड एक्शन इन फ्यूचर, ठीक है। अब देखो, फ्यूचर है तो फ्यूचर के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो यानी कहना मतलब ये क्या, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो फ्यूचर, फ्यूचर की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं फ्यूचर के, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, उसके बाद ही विल बाय ए फ्लैट सून, उसके बाद द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो। ये तीनों एग्जांपल हो गए किसके, ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट के, फ्यूचर सिंपल के, ठीक है। उसके बाद रूल क्या है, देखो जो फ्यूचर है ना, जो फ्यूचर है उसमें दो तरह के पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक तो फिक्स्ड एक्शन, एक होता है नॉट फिक्स्ड एक्शन। फिक्स्ड एक्शन का मतलब
कि जो चीज़ फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब ऐसा नहीं कि 100% होगी ही होगी, फिक्स्ड का मतलब ये है कि 99% उसके चांसेस है होने के, ठीक है। 1% तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 99% उसके चांसेस है होने के। देखो इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन सी आती है, इसमें स्ट्रक्चर आती है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसकी है, फिक्स्ड एक्शन की। यहीं अपने देखें अब नॉट फिक्स्ड की, ये अपने नॉट फिक्स्ड की देखें तो सेम सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद देखो जब एक्शन फिक्स्ड है, जब एक्शन फिक्स्ड है यानी कि उसके 99% होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए अपने ये सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या यस। लेकिन जो आपके फिक्स नहीं है, अगर कोई भी काम फिक्स नहीं है, तो उसके साथ में अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस नहीं कर सकते यूज़, उसको सिर्फ अपने विल शैल के साथ में ही लिखना पड़ेगा। उसको क्या है, विल शैल के साथ में ही लिखना पड़ेगा। अब देखो यही आपके ऊपर वाले एग्जांपल वापस रिपीट करता हूँ, इन तीनों में से कौन सा फिक्स्ड एक्शन है और कौन सा नॉट फिक्स्ड है वो देखते हैं अपने। अब देखो आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, ही विल बाय ए फ्लैट सून। अब देखो ये दोनों है नॉट फिक्स्ड और ये है फिक्स्ड, ये नॉट फिक्स्ड और ये नीचे वाला है फिक्स। अब ये कैसे है फिक्स ये भी बताओ सर। देखो देखो सबसे पहले नीचे वाला देखो, द पीएम विल गिव ए स्पीच टुमारो। देखो जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है अपने, तो वो टुमारो स्पीच देंगे। देखो जो भी चीज़ जो पीएम की है स्पीच, या फिर ट्रेन का अराइवल होना, डिपार्चर होना, ये चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। इसमें 99% पॉसिबिलिटी क्या होती है, ये फिक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये बोल दिया कि पीएम कल स्पीच देंगे तो वो स्पीच देने नहीं आए। देखो 99% पॉसिबिलिटी है कि वो स्पीच देंगे, 1% तो कुछ भी हो सकता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में देखो ये नोट फिक्स क्यों है, आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये क्या नोट फिक्स कैसे है। देखो मैं नॉर्मल पर्सन, देखो जो नॉर्मल पर्सन है ना, उसके जाने की या आने की कहीं पर भी कोई भी चीज़ वो करता है, तो उसकी क्या 50-50 पॉसिबिलिटी होती है वो करेगा या नहीं करेगा। जैसे सेकंड एग्जांपल भी देखो, ही विल बाय ए फ्लैट सून, तो एक फ्लैट खरीदेगा जल्दी ही। देखो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो खरीदेगा, 50-50 पॉसिबिलिटी है ना। जो पीएम के स्पीच देने की पॉसिबिलिटी है वो 99% है, लेकिन बाकी जगह क्या 50-50 है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसलिए फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड का आपको फंडा क्या याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर फिक्स्ड आ गया तो उसको किस में यूज़ कर सकते हो आप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, यानी कि उसको सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो। देखो इसका एग्जांपल देखो, द मैच विल स्टार्ट एट 7 इन द इवनिंग, उसके बाद द मैच स्टार्ट्स एट 7 इन द इवनिंग। अब देखो ये दोनों एग्जांपल हैं, अब देखो कौन सा इसमें दोनों में से सही है, ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों एग्जांपल क्या हैं, सही हैं। देखो विल स्टार्ट लगा दिया तो भी वो फिक्स्ड है, और स्टार्ट्स लगा दिया क्यों फिक्स्ड, के लिए अपने क्या यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, द स्कूल रीओपन इन जुलाई, देखो जो स्कूल जुलाई में रीओपन होते हैं वो क्या एक फिक्स्ड है, जुलाई में ही रीओपन होते हैं। अगर देखो पीछे कोरोना वाली कंडीशन आ गई थी वो एक बात अलग है, ठीक है, लेकिन 99% पॉसिबिलिटी यही होती है कि स्कूल जुलाई में रीओपन होते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट अपनों ने कंप्लीट, लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है अफर्मेटिव। देखो अफर्मेटिव की क्या बताई थी आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, इसमें अपनों ने तीन चीज़ें पढ़ ली, कौन कौन सी, हैबिचुअल यूनिवर्सल ट्रूथ वाला पढ़ लिया, ठीक है, एक अपनों ने हैबिचुअल पढ़ लिया, एक अपनों ने यूनिवर्सल ट्रूथ पढ़ लिया, और एक फिक्स नॉन फिक्स वाला पढ़ लिया अपनों ने, ठीक है। उसके बाद एक अपने इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में डू और डज का यूज़ होता है, इंटरोगेटिव में डू और डज का यूज़ होता है। अब देखो इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, देखो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन, उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू डज, उसके साथ में क्या आ जाएगा, नोट प्लस वी वन। देखो जो अफर्मेटिव था वहाँ पर क्या आ रहा था आपके, वी वन के साथ में एस या आई एस आ रहा था,
लेकिन जो इंटरोगेटिव है और नेगेटिव है उसमें वी वन के साथ में एस सी आई एस नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। डज शी गो टू कॉलेज, क्या वह कॉलेज जाएगी? अब देखो यहाँ डज आ गया, यहाँ गो की जगह गोज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शी तो आपके क्या सिंगुलर है, यहाँ पर गो की जगह गोज़ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो डज़ है वो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और जो डू है प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर डज के साथ में ई एस, डू के साथ में ई एस लगा, डज बन गया। तो ये पहले ही सिंगुलर बन चुका है, सेंटेंस को सिंगुलर शो कर दिया इसने, तो बार बार अपने को लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर यहाँ पर आप गो का गोज़ करोगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद इधर देखो नेगेटिव में, शी डज़ नॉट गो टू स्कूल, यहाँ डज आ गया तो यहाँ गोज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डू, डू वी नीड हिम, डू वी नीड हिम, उसके बाद क्या है नेगेटिव में क्या आ जाएगा, वी डू नॉट हिम। देखो यहाँ डू आ गया तो यहाँ क्या लगा देंगे अपने, नीड आ जाएगा। उसके बाद वी डू नॉट नीड हिम, ठीक है, ये क्या है प्लूरल है और यहाँ नीड क्या है बेस फॉर्म आ गई, यहाँ पर वर्ब के साथ में क्या आएगी, बेस फॉर्म ही आएगी, यहाँ पर वर्ब के साथ में एस सी आई एस नहीं आएगा। ये नीचे दो एग्जाम्पल दिए हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो हाउ ओफन आर यू गोइंग, आर यू गोइंग टू जिमनाजियम, ठीक है। अब देखो यहाँ दे रखा है आर या यू या गोइंग, अब देखो ओफन आ गया, ओफन से ये तो पता चल गया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज है। देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, ये यू है, सब्जेक्ट क्या है यू है, तो यू के साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज़ होना चाहिए, इंटरोगेटिव के सिंपल टेंस में। देखो ये इंटरोगेटिव का साइन भी दे रखा है, तो क्या यूज़ होना चाहिए यहाँ पर, डू यूज़ होना चाहिए, ठीक है। आर की जगह क्या होना चाहिए, डू यूज़ होना चाहिए, और गोइंग की जगह क्या आ जाएगा, गो आ जाएगा। हाउ ओफन डू यू गो टू जिमनाजियम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाई डोंट यू टोल्ड हिम अबाउट द इशू। अब देखो इस एग्जाम्पल को देखो, वाई डोंट यू टोल्ड हिम, अब देखो आपको बताया था, ये देखो ये डोंट आ गया, डू प्लस नोट, ये आ गया सब्जेक्ट, ये आ गया वी टू, ठीक है। देखो जब भी आपके डू आ जाए, डज आ जाए या फिर डिड आ जाए, ये वर्ड आ जाएंगे, उनके साथ में आपके हमेशा क्या है, वी वन, वी वन मतलब बेस फॉर्म वी वन ही यूज़ होगी। यहाँ पर टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टोल्ड की जगह टेल आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक ही थी, इस क्लास को आपको एक दो बार देखना, इसके नोट्स बनाना साथ के साथ, नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में पास्ट का इंडेफिनेट करेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।